अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है बेटा मौज का रीट्रेंडिंग मीम, और मीमम पोज इनके चैनल का नाम है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान पर क्लिक करना मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मोहम्मद हमजा, मेरे साथ हैं राम मोहम्मद अली और इस्लामिक बाप। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, इसे दिल फेफड़े गुर्दों पे ना ले और हेडफोन लगा लीजिए, एक दो गाड़ी के वोट मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्त क्या हुआ था? मैं मैड एंगल्स अचारी मस्ती खा रहा था, अचानक से फोन बजा, मैंने कहा हेलो। जो अचारी मस्ती खाने के बाद मुंह से हेलो नहीं निकलता है। नाइस, हर गुनहगार को ऐसी मौत मारूंगा कि अगले जन्म में माँ की कोख से क्या बाप की तोप से भी निकलने से पहले। वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहाँ कहाँ छिपा हुआ है? दूध वाले कहाँ हो तुम? Where are you, दूध वाला? दूध वाला सामने आओ, कहाँ छिपे बैठे हो? Once more. Drug दो. मुझे drugs दो. सो ही नहीं मालूम। मुझे जग दो. कृष्णा बात है। Wrong number. Helicopter. क्या हाल है? जस्ट पता नहीं, रात सोई थी और ऐसे वायरल हो गए। वायरल में आज तक लाइफ में कभी हुई? कहाँ सोई थी, ये भी एक सवाल रखा। समझ रहे हो, मैंने मजाक में मार दिया, क्योंकि दोस्तों में मारते हैं ऑलरेडी, बट वो सर कुछ ऑलरेडी कुछ मेहमान आए थे। दोस्तों क्यों मारते हैं, कहाँ मारते हैं, ये भी बता। The hunt for Miss Weed Pakistan 2016 is about to begin, ladies and gentlemen, and we are with the first contestant. आपका नाम? गुलशन आरा। कौन सी आरा? सॉरी, कौन सी आरा? गुलशन आरा। अच्छा, so why do you want to be Miss Weed Pakistan? मैंने सोचा यहाँ से शायद मुझे ऊपर चढ़ने का कोई आप बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हो आज। आप पंजाब जाओ ना, पंजाबी के न्यूज़पेपर छपते हैं ऐसे बड़े। अच्छा कपिल, ये बताओ आपके सेट पे जितनी भी लड़कियां आती हैं आप सबके साथ नफरत करते हो? जी, क्यों? आपने कितने खूबसूरत ये ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, ये क्या नीलम है? दिखाओ, नीलम है। हाथ पकड़ने का बस कोई भी बहाना चाहिए। दोबारा नहीं आने वाला है रोशी मैम पिंक कलर की ड्रेस पे। भाई मैं कॉफी मिलेगी क्या? गाड़ी मिलेगी। और एक
from? Where are you from, guys? South Africa. Are you good couple? Yeah. Can you kiss? No. I think your partner is not interested on you. ये पता शर्मंदी हो गई है सामने बैठे है समझ रहे हो समझ रहे हो नहीं थोड़ा आराम से चला कर ये लोड़े भाई फुल लोटे 25 के 25 डोटे भाई सब बस बेटा ईमान से ठीक है भाई चिया मेरे शेर अबे तू जितनी देर में बोलेगा ना उतनी देर में हो जाएगा कौन सी चीज है जिसकी स्पीड जो है वो सबसे तेज होती है सबसे ज्यादा स्पीड पर हाँ अब चलो कुछ तो बता दो ना नाम को मतलब ये कुछ तो जब लड़की घर से भाग जाए तो उसकी स्पीड सबसे तेज होती है ज्ञानी बाबा लग रहा है ऐसे एक्सपीरियंस हो चुका है मैं लेकर भाग घर से मैं लेकर भागा था वो घर से तो नहीं भागे ये उसको लेकर भागा था वो आगे किसी और साथ भाग गई चेहरे का मतलब ही नहीं होता मतलब ये होता कि तकलीफा ना डील करना होता यहाँ कोई नहीं देख रहा मैं क्या कह रहा था प्लीज मुझे एक स्मूथ दे दे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना अरे कोई नहीं देखेगा तेरे को यहाँ लेके आया पूरा कोहरा हो रहा है इसलिए यार प्लीज देख दे रहे यार यहाँ पे चल आजा अरे यार कोमल करना यार अरे करना कोमल अरे करना यार अरे वो तो मैं शादी के बाद बनूंगा यार अभी और नहीं हो रही है तू करना Six ways to break up with your girlfriend. गर्लफ्रेंड है सिंगल अरे इसके तो मुझसे भी बड़े हो गए हैं अबे भाई बालू की बात कर रहा हूँ मैं क्या सुन लोगे हमेशा कुछ भी सोचते हो तुम्हारी सोच कितनी गंदी है हमारे में बात को मत सिखा चल एक सवाल मैंने तुमसे पूछना है नहीं अच्छा पूछ ये तुम्हारा ये खड़ा क्यों रहती चोटी पक्का तुम गंदी फिल्म में देखते हो क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहे किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100% 100% जी हाँ सर अरे भाई साहब बहुत ठंड हो रही है वैसे एक बात बताओ भाई साहब को हुआ क्या था मर कैसे गए ये किडनी में हार्ट अटैक आ गया था भैया टाइम बहुत खराब आ गया है पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक अभी किडनी में भी हार्ट अटैक सो गाइस सबसे पसंद वही आया कि सिक्स वेज टू ब्रेक अप विद गर्लफ्रेंड्स और वो हंस रहे थे और क्लाइंट ने पहले ही चेक किया अच्छा नहीं वो पहले इसने कहा है ना अच्छा जी नहीं वो कह रहा था ना कि छह तरीके हैं ब्रेक अप तो वो तुमने कहा ओके मैंने कहा ओके तो उसने कहा देख रहे हैं सॉरी गर्लफ्रेंड है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था और मजा भी आया क्योंकि इस क्लैन भाई की नहीं है अभी और चलो रहने दो लीक अब चांस नहीं मारिएगा बाकी ये है कि वीडियो ओवरऑल अच्छी थी और जितने भी क्लिप थे सारे अच्छे थे और मजा आया क्लिप देख के और एंजॉय भी किया डबल मीनिंग भी थे जितने भी मीम थे और एंजॉयबल थे मजा आया वीडियो देख के जी वाकई जी बहुत ही मजा आया कुछ बोल नहीं अच्छा गाना करनी है
और वाकई जी बहुत ही मजे के मीम थे और इंजॉय किया मीम को, जितने भी मीम उन्होंने यूज किए हैं वो बहुत ही जबरदस्त थे, वो सारे के सारे न्यू मीम थे और मजा आया देखे। वीडियो उनकी बहुत ही अच्छी होती है, साफ सुथरे मीम और डबल मीमिंग जो होते हैं क्या? डबल मीमिंग वो आए ना ऑलरेडी, ओके ना मतीरा चोटी खड़ी होती है गंदी वीडियो देखना रहना जी। सकलैन भाई वीडियो अच्छी थी, इंजॉयबल थी, अच्छे क्लिप थे और वाकई वो इंटरेस्टिंग था क्योंकि कभी कभार लग जाती है बंदे को पता नहीं चलता वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे लग गई है। और इंटरेस्टिंग क्लिप थे, डबल मीनिंग थे, वही बात कि इसमें वो क्लिप यूज़ नहीं किए गए, अच्छी बात है उन्होंने अच्छे मीम लगाए। स्टार्टिंग में जो क्लिप आया था वो बहुत अच्छा था और क्योंकि इनकी मेहनत होती है इसमें कोई शक नहीं है डिफरेंट क्लिप निकालने, वो कुछ मीम मेरे ख्याल में वो निकाल ही दें तो बेहतर है, उनकी जगह अगर न्यू लेके आएंगे कुछ नया ट्राई करेंगे तो वो और इंटरेस्टिंग लगेगा। वीडियो ज़बरदस्त थी, इंजॉयबल थी, इंजॉय किया, आई होप ये वीडियो आप लोगों ने इंजॉय की होगी हम लोगों के साथ, अगर इंजॉय की तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पैंती अगर तप पाती है ना।